नमस्कार, एसएस फूड एंड पिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उड़द धुली की दाल को बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। अब हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर किस प्रकार से उड़द धुली की दाल बनाते हैं और हमें उड़द धुली की दाल बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने लगभग 200 ग्राम उड़द धुली की दाल, यहाँ पे उड़द धुली की दाल जो होती काली दाल को जो दलाई करके छिलका निकाल के बनाया जाता है उसे उड़द धुली की दाल बोला जाता है। ये हमने लगभग 200 ग्राम दाल को लगभग आधा घंटा पहले भिगो के रखा। दो प्याज और ये एक इंच बराबर अदरक मैंने काट के रखी और दो हरी मिर्च और ये तड़का लगाने का सामान है सारा। दो अदद ये टमाटर मैंने काट के रखे और लगभग एक चम्मच ये लहसुन है। और इसके अलावा मैंने इसमें डालने ये मसाले लगभग ये दो चम्मच हल्दी, एक चम्मच मीट मसाला, एक चम्मच छोटी ये नमक की है, नमक अपने जायके के अनुसार डालें। ये गरम मसाला लगभग एक चम्मच और दो दाने बराबर मटर के ये हींग पिसी हुई और 8-10 ये मेथी दाना और लगभग ये 10 से 12 दाने ये जीरे के हैं। इसके अलावा हमने इसको तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए लगभग 2 छोटी चम्मच बराबर सरसों का तेल। अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से बनाना है। हमने सबसे पहले इस तरह से गैस जलाई। गैस जलाने के बाद ये हमने इसको उबालने के लिए रख दिया। अब हमने इस तरह से मसालों को बीच में डाल देना। ये जो आपको हमने अभी मसाले दिखाए ये हमने इकट्ठे बीच में डाल देने। ये हम सिर्फ एक सीटी जब आएगी तो इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ का पानी सॉफ्ट वाटर है। अगर हार्ड वाटर हो जो चूने का पानी होता है तब तो ये दाल बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से पकते टाइम लगभग ये एक चम्मच ये सूखा हुआ लहसुन है ये मैंने इसमें इस प्रकार से डाल दिया। और दाल को ज़्यादा रवा और नरम बनाने के लिए ये देसी मेथड है आपको मैं बताना चाहूँगी। लगभग एक चम्मच ये तेल है कच्ची घानी का, ये हम पकते टाइम डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इस तरह से कुकर को हम इस तरह से के इस तरह से स्टीम पे चढ़ा देंगे। ये दाल अब उबल चुकी है। ये हमने इसको सिर्फ अभी एक सीटी लगवाई है। यहाँ पर सॉफ्ट वाटर है तो यहाँ पर दालें और सब्जी बहुत जल्दी गल जाती है। अगर हार्ड वाटर हो तो आप 2 सीटी लगवाएं। अब हमने इधर ये तेल रखा तेज करके, अभी मैंने कम कर दिया। अब मैं इसमें प्याज, अदरक और ये चीज़ें डालूंगी और मसाले को भूनूंगी। तो ये तड़के का मसाला, अब मैंने थोड़ा सा आज को स्लो कर दिया। अब मैं भूरा होने तक ये अदरक प्याज को भूनूंगी। मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडिया में, बिहार में, गुजरात में, यूपी में उड़द धुली की दाल के बहुत सारे खाने या पकवान बनाए जाते हैं।
जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर गुजरात में उड़द धुली की दाल के पकोड़े बनते हैं और वो खाने में बहुत स्वाद होते हैं। इसी तरह से यूपी में, बिहार में, कई देहाती इलाकों में इसके कबाब सूजी डाल के बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सिंपल उड़द धुली की दाल बनाना सिखा रही हूँ। अब ये प्याज भून चुका है तो मैं अब इसमें थोड़ा सा टमाटर डालूंगी। ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डालूंगी। उड़द धुली की दाल बनाने का राज ये है कि आप इसको खड़ी खड़ी बनाएं और दम पे इसको दम पे रखें। और ये अब मैंने टमाटर डाले तो मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। फिर इसके बाद इसमें मैं दाल को डाल के दम पे रख दूंगी। ये हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भूना। अभी इसमें से सारे मसालों की बहुत धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें दाल पलटी हूँ इस तरह से। ये इस तरह से, और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी को भी शामिल करना ताकि ये दाल रस मिस जाए। इस तरह से मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद ये वाली दाल मेरे पापा करते हैं। मेरे पापा को ये दाल इतनी पसंद है कि वो तीन तीन टाइम यही दाल खाते हैं। उनको और कोई दालों में दाल नहीं पसंद। अब इसमें जब उबाला आएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी। इस तरह से अभी मैं इसको पका रही हूँ। अब ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। हमने इसको हल्की आंच में पकाया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।